दोस्तों बहुत ही जल्द हमारे देश में ट्रेन की पटरियों पर हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। दोस्तों इस बात की पुष्टि खुद केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर के एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है। आपको बता दें कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत बहुत ही जल्द हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। बिजली और ईंधन बचाने के उद्देश्य से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पर प्रमुखता से सरकार फोकस कर रही है। जानकारी के लिए बता दें, हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेन बनाने का काम मेधा सर्वो ड्राइवर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कनाडा बेस्ड कंपनी बेलार्ड पावर सिस्टम इंक के साथ मिलकर करेगी। अभी तक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी देश ही विकसित कर पाया है। इसी साल जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया था। फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम ने लगभग $92 मिलियन की लागत से हाइड्रोजन ईंधन सेल ड्राइव वाली 14 ट्रेनों को विकसित किया है। दोस्तों हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेनें उन क्षेत्रों के लिए ज्यादा जरूरी हैं जहां बहुत प्रदूषण बड़ी समस्या है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।